नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। आईटीआई में 2500 पदों पर जल्द ही होगी नियुक्तियां। सरकार ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 2475 खाली पदों पर जल्द बहाली करने का फैसला सुनाया है। जिन पदों पर बहाली होने वाली है उनमें अनुदेशक, इलेक्ट्रीशियन, प्राचार्य और उप प्राचार्य जैसे पद शामिल है। श्रम संसाधन विभाग ने नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव को तैयार कर लिया है। विभाग द्वारा नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जल्द ही राज्य तकनीकी सेवा आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने आईटीआई में खाली पदों पर जल्द बहाली शुरू करने के लिए अफसरों को निर्देश दिया है। अनुदेशक के 2045 पद रिक्त है जो शिक्षक संवर्ग से संबंधित है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले सत्र से पहले आईटीआई में खाली पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित करने हेतु विभाग को पत्र लिखा था। बिहार के सरकारी स्कूल में स्मार्ट बोर्ड लगाने को लेकर बन रही है योजना। शिक्षा विभाग सभी स्कूल की कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से लैस करने के लिए जल्द ही एक योजना तैयार करने की तैयारी में जुट गया है। प्रस्तावित योजना में स्मार्ट बोर्ड पर आने वाले खर्च का आकलन भी किया जा रहा है ताकि उसके हिसाब से केंद्र सरकार के पास बजट का क्लेम किया जा सके। एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया है कि सरकारी स्कूल की कक्षाएं स्मार्ट बोर्ड से लैस होगी। इसकी रूपरेखा शिक्षा के रोडमैप में शामिल किया जाएगा। दरअसल हाल ही में शिक्षा विभाग की तरफ से सभी प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया था कि स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यदि केंद्र से वित्तीय मदद मिली तो प्रस्तावित रोडमैप के तहत अगले सत्र से सभी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड से लैस करने का अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद की चाहत नहीं होने की कही बात। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री पद का संदर्भ लेते हुए नीतीश कुमार ने दो टूक अंदाज में कहा कि मुझे पद की कोई चाहत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पद पर रहे। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद मैंने अपनी यह इच्छा गठबंधन के समक्ष जाहिर भी कर दी थी, लेकिन दबाव इतना था कि मुझे फिर से काम संभालना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि हम स्वार्थ के लिए काम नहीं करते। आज तक हमने कभी किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों के भाजपा में चले जाने के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अरुणाचल में 6 के जाने के बाद भी वहां जदयू का एक विधायक डटा रहा। पार्टी की ताकत को समझ गया। हमें सिद्धांत के आधार पर ही लोगों के बीच जाना है। नफरत का माहौल बनाया जाता है कुछ लोग द्वारा, पर हम लोग नफरत के खिलाफ है। आपको बता दें, उक्त बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के बाद कही। कोविड-19 के माहौल में बिहार को मिलेगा डिजिटल इंडिया अवार्ड। कोविड-19 के माहौल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों केंद्रीय संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में 30 दिसंबर को दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता राज्यों की तरफ से दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री सचिवालय, आपदा प्रबंधन विभाग और एनआईसी को कोविड-19 माहौल में बेहतरीन काम करने के लिए विजेता चुना गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड भारत सरकार द्वारा नागरिकों को अनुकरणीय डिजिटल उत्पाद और सेवाओं के लिए दिए जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है। आपको बता दें, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 6 श्रेणियों में 190 प्रविष्टियां पुरस्कार के लिए भेजी गई। जूनियर डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है विभाग। राज्य के 48 पीजी डॉक्टरों पर चेतावनी का कोई असर होता नहीं देखकर सरकार अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों के अधीक्षक और प्रिंसिपल को स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से निर्देश जारी कर दिया है और वो हड़ताली डॉक्टरों को चिन्हित करते हुए उन्हें नोटिस जारी करें। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कोर्ट में अवमानना का मामला उठाने वाली है। दरअसल इसी साल अगस्त महीने में कोर्ट ने डॉक्टरों की प्रस्तावित हड़ताल पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि राज्य कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसी स्थिति में डॉक्टरों की हड़ताल उचित नहीं होगी क्योंकि इस कदम से स्वास्थ्य विभाग चरमरा जाएगी। बिहार में बर्फीली हवाओं से मिलेगी राहत। बर्फीली हवाओं से फिलहाल राज्य को बड़ी राहत मिलने वाली है। हिमालय पर उठा पश्चिमी विभोक्ष खत्म हो चुका है। उम्मीद थी कि पश्चिमी विभोक्ष की चपेट में बिहार आ सकता है, जिसके लेकर ही मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया था। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के विज्ञानी संजय कुमार ने कहा है कि पश्चिमी विभोक्ष का प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ने वाला है। अब राज्य का मौसम 2 जनवरी तक साफ रहने की उम्मीद जताई गई है। उसके बाद ही मौसम में किसी तरह का बदलाव आ सकता है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी भी फिलहाल काफी शांत है। पश्चिमी हवाओं के कमजोर होने से उत्तरी बिहार के अधिकांश भागों में कोहरे का प्रभाव पड़ सकता है। खासकर नदी प्रभावित इलाके में धुंध लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। गया राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 कम है। वहीं राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जदयू ने बंगाल चुनाव पर लगाई मुहर। बीते दिन जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बंगाल चुनाव पर भी मुहर लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जदयू पूरी ताकत के साथ चुनाव
चुनावी मैदान में उतरने वाली है। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस आशय का प्रस्ताव लिया गया है। जदयू पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों पर मैदान में जाएगी, इसके लिए पार्टी के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह को अधिकृत किया गया है। यह भी प्रस्ताव लाया गया है कि पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त विभिन्न प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव में शामिल होने का निर्णय आरसीपी सिंह ही करेंगे। संगठन विस्तार के प्रस्ताव के तहत ही यह तय हुआ है कि पार्टी द्वारा राज्यों में अपने संगठन का विस्तार करेगी। बिहार में समावेशी विकास का जो मॉडल विकसित किया गया उसे साथ लेकर पार्टी दूसरे राज्यों में जाएगी। बिहार में स्कूलों को खोलने के लिए सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य सरकार के निर्देश के बाद राजधानी के सरकारी एवं निजी विद्यालयों को 4 जनवरी से खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। निजी स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे, इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। विद्यार्थी को स्कूल में प्रवेश करते ही सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा। इसके अलावा गेट पर ही मास्क की व्यवस्था की जाएगी। वैसे हर छात्र को अपने घर से मास्क पहनकर आना है, लेकिन किसी कारण से मास्क छूट गया तो स्कूल प्रबंधन मुहैया कराएगा। हाई स्कूल के प्राचार्य फैज अहमद ने कहा कि सरकार के निर्देश के बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्कूलों को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव रंजन सिन्हा ने कहा है कि राजधानी के अधिकांश स्कूल को खोलने की तैयारी की जा रही है। सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि बसों को भी सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। आधी सीटों पर ही छात्रों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। स्टैंड अप इंडिया योजना में बैकफुट पर बिहार। केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना में बिहार पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इस योजना के तहत अधिसूचना जाति जनजाति वर्ग और महिलाओं को पहली बार उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का कर्ज दिया जाता है। बिहार में कुल 32 बैंक में 18 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। यह स्थिति दयनीय है, जिसको लेकर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी पिछले दिनों बैठक में चिंता जताई थी। वर्कर्स कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 7,620 बैंक की शाखाएं हैं। सितंबर 2020 तक इनमें से महज 1,176 बैंक शाखा ने ही कर्ज दिया है, यानी कि महज 15% बैंकों ने कर्ज देने का काम किया है। बाकी 85% बैंक शाखाओं ने योजना के तहत कर्ज देने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। इसमें भी सबसे अधिक 535 महिलाओं को योजना के तहत कर्ज दिया गया है। जिन बैंकों ने कर्ज नहीं दिया है उनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, इंडियन बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और अन्य कई बैंक के नाम शामिल है। नए निकायों में अब महंगी होगी जमीन। 100 से अधिक नए नगर निकायों के गठन से बिहार में शहरी क्षेत्र को बढ़ावा तो मिलेगा ही, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। शहरी क्षेत्र की योजनाएं लागू होने से स्वरोजगार, उद्यम आदि को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण से नगर क्षेत्र में आने के कारण नए निकायों में जमीन की कीमत भी बढ़नी तय मानी जा रही है। आमतौर पर नगर निकाय में कृषि, विकासशील और व्यावसायिक जमीन चिन्हित की जाती है, इसी हिसाब से उनका सर्कल रेट तय होता है। में सभी नगर निकायों में इस हिसाब से जमीन का वर्गीकरण कर दिया गया है और यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। नगर पंचायत से नगर परिषद बने और नगर परिषद से नगर निगम बने निकायों में भी जमीन की कीमत भी पहले के तुलना में बढ़ सकती है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पहले 143 नगर निकाय ही थे। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब नए नगर निकायों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी। बिहार में बारिश की बूंदों को सहेज कर बनाई जाएगी बिजली। अब बारिश की बूंदों से घर आंगन रोशन होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना के एक हाई स्कूल के छात्र सोनू कुमार ने वर्षा जल से बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट बनाया है। इसी स्कूल में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज दिया गया था। मंत्रालय ने इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत इसका चयन किया है। प्रोजेक्ट के तहत किसी भी सामुदायिक भवन का वर्षा जल संग्रह कर उसे बिजली तैयार की जा सकती है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से सोनू कुमार को 10,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। स्कूल की शिक्षिका रश्मि आनंद का कहना है कि सोनू के प्रोजेक्ट के चयन से स्कूल के दूसरे छात्रों को प्रोत्साहन मिला है। दशक की वनडे और T20 टीम के कप्तान बने MS धोनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को इस दशक के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की है। इन टीमों को प्रशंसकों के वोटों के आधार पर चुन लिया गया है। पूरी दुनिया में करीब 15 लाख लोगों ने 50 लाख से अधिक वोट करके यह टीम चुनी है। भारत को 28 साल बाद वनडे विश्व कप जिताने वाले पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को वनडे और T20 टीम की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं टेस्ट टीम का कप्तान कोहली को बनाया गया है। पुरुष और महिला टीमों में कुल 9 भारतीय खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। वनडे टीम में महेंद्र सिंह धोनी जो कि कप्तान और विकेटकीपर की भूमिका में नजर आएंगे, वहीं वार्नर, कोहली, डिविलियर्स, शाकिब, स्टोक्स, स्टार्क, बोल्ट, ताहिर, मलिंगा को चुना गया है। टेस्ट टीम के लिए कोहली, कुर्क, वार्नर, विलियमसन, स्मिथ, संगकारा, स्टोक्स, आर अश्विन, स्टेन, एंडरसन, ब्रॉड को चुना गया है। वहीं T20 टीम में धोनी, रोहित, गेल, फिंच, कोहली, पोलार्ड, डिविलियर्स, मैक्सवेल, राशिद, बुमराह, मलिंगा को चुना गया है। भागलपुर में गंगा नदी से हटाई जा रही सिल्ट। विक्रमशिला पुल के पश्चिमी तट स्थित दियारा में जमे सिल्ट को निकालकर गंगा को और गहरा बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है, जिसके तहत दियारे में जमे सिल्ट को जल्द ही मशीन से ड्रेजिंग कर निकाला जाएगा, ताकि गंगा इतनी गहरी हो सके कि यहां से मालवाहक बड़े जहाजों का आवागमन हो सके। मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के पूरे होने के बाद बनारस से लेकर कोलकाता तक
गंगा नदी के जरिए बड़े जहाज से माल ढुलाई होने लगेगी। इससे जलमार्ग से होने वाले कारोबार में वृद्धि होगी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाए गए योजना के तहत विक्रमशिला पुल के पश्चिमी दिशा में करीब 1 किलोमीटर दूर स्थित दियारा में जमे सिल्ट को साफ किया जाएगा। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सीबीआई से मांगा जवाब। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच कर रही सीबीआई से अब तक मिली जानकारी का खुलासा करने को कहा है। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा है कि सीबीआई को सुशांत केस में जांच की गई रिपोर्ट को अब तक उन्हें क्या मिला है यह बताना चाहिए। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम अनिल देशमुख ने सीबीआई से अब तक मिली जानकारियों को साझा करने की अपील की थी। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक रिया के वकील ने कहा कि उस दुखद हादसे को भुलाने में यह सही वक्त है। सतीश माने शिंदे ने रिया चक्रवर्ती का बचाव करते हुए यह तक कहा कि मुंबई पुलिस ने जब 2 महीने तक जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की थी तो काफी शोर मचा था। पटना में गलत आरोपों के तहत रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के मेंबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, इसलिए सीबीआई को सामने आकर सच बताने की जरूरत है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में अंदरूनी विवाद चरम पर है। 10 जनवरी से आयोजित होने वाले सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी के लिए बीसीए के अध्यक्ष और सचिव ने रविवार को अलग अलग टीम घोषित कर दी है। बिगाड़ने का काम किया गया है। अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी गुट ने पिछले 2 साल से बिहार टीम की कमान संभाल रहे आशुतोष अमन पर भरोसा जताया है। वहीं सचिव ने केशव कुमार के नेतृत्व में समानांतर टीम घोषित कर दी है। दोनों दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम ही इस टूर्नामेंट में खेलने लायक है। हालांकि अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पाले में गेंद है। बीसीसीआई किस टीम को हरी झंडी दिखाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है 2 जनवरी को पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार आरसीपी सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।